प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दिन रात दौड़ कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है, मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है, हमारे देश में दान का एक महत्व है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है, तो इतने कम समय में मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात मां लोकतंत्र नो उत्सव है। आनंदी बात ये है कि पहला 2 चरण में जो मतदान थयु छे हूँ इलेक्शन कमीशन ने अभिनंदन आपीश, देश ना सुरक्षा बलों ने अभिनंदन आपीश, अने चूंटणी नी व्यवस्था में जोड़ायेला वहीवटी अधिकारी ने अभिनंदन आपीश कि पहला 2 चरण में क्या नहिवत हिंसा की घटना ध्यान में आई है। अदरवाइज आपने खबर है कि पहला चूंटणी में हिंसा नो दौर चालतो तो आ वक्त इलेक्शन कमीशन की अनेक व्यवस्थाओं, हूँ इलेक्शन कमीशन एटला माटे पण अभिनंदन करू छू कि हमने पूरु इलेक्शन कैम्पेन वोटर फ्रेंडली मैनेजमेंट में एमने ध्यान केन्द्रित कर। इवन आजे पण मैं एमनी घड़ियाळ जोई, जे घड़ियाळ मतदार ने लगातार एलर्ट करे छे कि तमारुं मतदान थयुं, अने बधाना मोबाइल पर एक घड़ियाळ अवेलेबल छे, तो इलेक्शन कमीशने पण टेक्नोलॉजी भरपूर उपयोग कर्यो छे। अने हूँ तो मीडियाना मित्रों ने पण कहीश के हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए, और ये वर्ष
एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट तो कास्ट किया ही, लेकिन साथ ही अपील की मीडिया के माध्यम से, गुजरात के सभी लोगों से, देश भर के लोगों से कि वो जहां पर भी हैं अपना मत जरूर इस्तेमाल करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें। साथ ही भारतीय लोकतंत्र की जो खूबी है जिसकी कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि दुनिया भर में इस वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में मतदान हो रहा है या लोग अपनी सरकारें चुन रहे हैं, 64 ऐसे देश हैं, लेकिन भारत में जिस तरह से मतदान होता है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको लेकर केस स्टडी की जानी चाहिए कि किस तरह से किया जाता है। अमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमोद, प्रधानमंत्री ने हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त भी वो लोगों से मिल रहे हैं, ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और मीडिया से भी बात की उन्होंने। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब यहाँ से वोट डालकर निकले रानीप के स्कूल से तो यहाँ जितने लोग मौजूद थे उनको सबको अभिवादन स्वीकार किया, उन्होंने सबसे हाथ भी मिलाया, सबको प्रणाम भी किया और उंगली दिखाई उनको, उनको एक तरह से आगाह किया कि आप लोग अपना अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें। दो चरणों में जिस तरह से मतदान कम रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी ये लगता है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने उंगली दिखाकर बताया कि हमने मतदान कर दिया, आप भी मतदान करिए। और प्रधानमंत्री इस बार आए, इस बार वोट डाले और सीधे निकल गए, अपने भाई के घर चाय पीने तक नहीं गए और उन्होंने जाकर वहां बताया कि अभी उनको मध्य प्रदेश जाना है, उसके बाद महाराष्ट्र जाना है, फिर अंत में तेलंगाना जाना है। आज उनकी चार्टर सभाएं लगी हैं और ये मजबूरी है कि वो ये ज्यादा समय यहां नहीं गुजार सकते।